इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सहरसा जिले के शोर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कई हिस्सों में लगातार दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसमें अब तक दर्जनों घर गिर चुके हैं और लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। इस दौरान शोर बाजार प्रखंड क्षेत्र के खजूरी पंचायत अंतर्गत सभा गांव में बीती रात बारिश के कारण घर गिरकर ध्वस्त हो गया, जिसमें घर में सो रही एक महिला भी जख्मी हो गई। पीड़ित विनोद यादव ने बताया कि हम मेहनत मजूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और बीती रात भारी बारिश के कारण मेरा घर गिर गया, जिससे मेरी पत्नी सुनीता देवी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घर में रखा सारा सामान सहित खाने पीने की वस्तु भी नष्ट हो गई। अब मेरे पास सबसे बड़ी समस्या है कि अपने छोटे छोटे बच्चे सहित पूरा परिवार अपना सर कहाँ छुपाए। इस भारी नुकसान को लेकर प्रशासन से गुहार लगाते हुए बताया कि अगर हमें इस हालत में प्रशासनिक सुविधा नहीं मिलती तो हम बेघर हो जाएंगे। पीड़ित विनोद यादव ने बताया कि जख्मी पत्नी के इलाज के बाद शोर बाजार अंचलाधिकारी को क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दिया जाएगा। देखते हैं घर टूट गया है, बारिश में टूटा है क्या? बारिश में टूटा है। कब टूटा है, रात में कि कल दिन में? रात में टूटा है। क्या क्या नुकसान हुआ है? एगो में खाना बना रहे हैं। अच्छा, एगो में सुता हुआ है, रात में टूट कर गिर गया। वो महिला है वहाँ पर शोर बाजार में भर्ती। क्या नाम है महिला का? सुनीता देवी। सुनीता देवी, आपका क्या नाम है? आपको? हमारा नाम विनोद यादव। मतलब सामान उमान भी क्षति हुआ है? सामान उमान सब क्षति हुआ है, सब बकरी यार दबा गया, माल जाल सब दबा गया। अच्छा, बकरियों दबा गया है। हाँ, तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन जो क्षतिपूर्ति दे दीजिएगा। आप मजदूरी करते हैं कि किसान है क्या? मजदूर करते, मजदूरी करते। कौन सा जगह है? ठेला रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, कौन सा जगह? ईसा पहा पंचायत, खजरी पंचायत, वार्ड नंबर 15। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।